हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थिति थोड़ी सी छोटी है। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, इसकी स्थिति थोड़ी सी और व्यापक है। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा है, सबसे व्यापक जो एक कॉन्सेप्ट है यही है। एक सीक्वेंस में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके विषय में यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए। मतलब कि जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें कोई खास प्रजाति या कोई विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए, एक दो तीन कुछ विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है किसी क्षेत्र को। यहाँ पर कोई एक प्रजाति भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रजाति, मतलब हर किसी के लिए नहीं, कुछ खास प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र में जो है बसना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कोई भी मानवीय गतिविधि यहाँ पर सीमित रूप में यहाँ पर छूट मिलती है। बसना बिल्कुल भी प्रतिबंधित है, लेकिन जानवर को चराने के लिए या फिर लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए या फिर पर्यटन वगैरह की छूट कुछ सीमा तक यहाँ पर रहती है। और इसकी जो घोषणा है राज्य सरकार के द्वारा केवल आदेश के माध्यम से हो जाती है, लेकिन अगर इसके सीमा में परिवर्तन करना हो तो फिर विधानमंडल में इसके लिए रेजोल्यूशन पारित करना होगा। तो कुल मिला के ये आपको वन्य जीव अभयारण्य हो गया। उसके बाद दूसरा जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसके विषय में ये समझना होगा कि ये जो है सभी जीवों के संरक्षण के लिए है। यानी कि जिस तरह से वन्य जीव अभयारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है जिस भी क्षेत्र को घोषित किया जाता है वहाँ पर हर जीव का समान रूप से संरक्षण किया जाता है, किसी एक जीव पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसमें जो है किसी भी तरह के मानवीय गतिविधि की छूट नहीं होती है, हर एक प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है, यहाँ तक कि जो जानवर को चराने या फिर लकड़ी इकट्ठा करने जैसी जो स्थिति है, हर चीज़ प्रतिबंधित यहाँ पर होता है। मतलब बिल्कुल भी मानवीय गतिविधि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसकी भी जो स्थिति है बिल्कुल वन्य जीव अभयारण्य के ही तरह है। इसकी घोषणा जो है राज्य सरकार के आदेश के ही माध्यम से होती है, लेकिन अगर इसके सीमा में परिवर्तन करना हो तो फिर विधानमंडल से रेजोल्यूशन को पारित करना होगा। तो यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप समझें तो आप ये देखें कि जो वन्य जीव अभयारण्य, इसमें किसी एक प्रजाति के संरक्षण के लिए बात की जा रही है, और राष्ट्रीय उद्यान में हर एक जीवों का जो है समान रूप से संरक्षण किया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जो कोई वन्य जीव अभयारण्य है उसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको वन्य जीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि आप इसको आरक्षण से समझिए कि अगर किसी खास समुदाय को अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर ये जरूर हो सकता है कि हर किसी समुदाय को फिर आरक्षण दिया जा सके, लेकिन अगर हर किसी को आरक्षण ऑलरेडी दिया जा रहा है, फिर अगर किसी बाकी का आरक्षण खत्म करके किसी एक को आरक्षण देने की कोशिश की जाए तो फिर बगावत हो जाएगा, आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से राष्ट्रीय उद्यान एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हर जीव का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान को कभी भी वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पर किसी एक जीवों पर ध्यान दिया जाता है, एक प्रजाति पर, तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर हर जीवों का समान रूप से संरक्षण हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम लोग यही देखेंगे कि जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका परिवर्तन जो है राष्ट्रीय उद्यान में हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तन वन्य जीव अभयारण्य में नहीं हो सकता है। और तीसरा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, ये है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो ये सबसे बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है। आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा एरिया, उसको जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। अब राज्य, वो जो उस देश की सरकार है उसके द्वारा, चूंकि बहुत बड़ा एरिया है तो इसमें अलग अलग राज्य का भी हिस्सा आ सकता है, एक ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो है कई सारा वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि वन्य जीव अभयारण्य एक ही आए या राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। हो सकता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में जो है एक से ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कुछ भी उसमें शामिल हो सकता है। एक बहुत बड़े एरिया में जो संरक्षण के दृष्टिकोण से जो घोषित किया जाता है क्षेत्र, उसको हम लोग जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको हम लोग आने वाले टाइम में जो है एक एक करके देखेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितना है, कौन सा नया नया अभी हाल फिलहाल में शामिल हुआ है,
बाकी यहाँ पर जैव मंडल या आरक्षित क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व, इसके विषय में आप देख लीजिए कि इसमें मुख्य रूप से तीन जोन डिवाइड कर दिया जाता है, तीन एरिया। जो सबसे बाहर का एरिया है उसको संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से इस क्षेत्र का जो संक्रमण वाला एरिया है तो ये संक्रमण जोन हुआ, जिसको आप आउटर जोन बोलते हैं। उसके बाद एक बफर जोन है, और सबसे अंदर वाला जो जोन है वो कोर जोन है। तो कोर जोन में तो किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन जो आउटर एरिया है, आउटर जोन है, संक्रमण क्षेत्र, यहाँ पर सीमित मात्रा में मानव गतिविधि की छूट रहती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हिस्सा हम लोग कवर किए, हम लोग देखे वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल या आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। आने वाले टाइम में हम लोग अब एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।